आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो आज है तारीख 10 तारीख है आज, और मैं कल आई हूँ 9 तारीख को इधर। तो आज सेकेंड डेज है मेरा यहाँ। तो अभी आफ्टरनून हुआ है, अभी हम लंच कर चुके हैं। तो अभी से मैंने मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट की है। तो फ्रेंड्स आपको मैं पहले बता देती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो को अभी न्यू देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी जैसे ही कुछ मैं नया वीडियोज़ अपलोड करूँ। और हाँ, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना मेरी वीडियोज़ को, मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने लंच किया कि नहीं अभी तक? अभी तो कितना बज चुका है, अभी बज चुके हैं 2:30। तो आप लोगों ने लंच किया है कि नहीं? जल्दी अगर नहीं किया है लंच तो जल्दी जाके लंच कीजिए। और मैं अभी रेस्ट करूँगी थोड़ा, फिर इवनिंग में मैं आपके साथ फिर बात करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग लंच कर लिए फटाफट, फिर मैं इवनिंग में आपके साथ फिर जुड़ती हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये रूम है, एक हमारा बेडरूम है, एक बेडरूम है। तो ये बहुत मतलब गंदा हुआ पड़ा है, इसका सब बेडशीट सब निकाल दिए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, ये बहुत गंदा हुआ है। तो ये बेडरूम है और वहाँ मतलब ये मेरा बेडरूम है और वहाँ भैया का मेरा बेडरूम है। तो वहाँ मेरी मम्मा और मेरी बेटी और मेरे पापा वहाँ है उस रूम में। तो मैं चलो आपको दिखाती हूँ वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। चलो चलो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ। परान कहाँ कर जो? मैं छूट। बेटा जो सामने है। को? तेरा तो यार पार फिर चिल्ला। मामा। पत्की। इधर सुखा बाँट गया। इधर लड़ा। इधर लड़ा क्या? कैंडा दी से थी। इधर के कूदे। देखो तो यारे। दे देखूँ। देखो तो। मोर नानू संग बोली जी मोर पापा है। नहीं तो मोर नानू है, मोर पापा है, मोर पापी। मते तमर पापा कहीं गले बोली के चौकाले कुजिए दिला। मामा 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 तमको तमको ए मामा तमको मजा लागु जई ना गथि कर छ। ए मामा नानू घरे मजा लक्सी के मां घरे मजा ने लागे आ नानू घरे खाली मजा लक्सी का जे मां घरे मजा ने लागे फिर तमको तमको मजा लक्सी मई ये पदमपुर बोल काने छे कोई दियो ये मदम पदमपुर मैडम संगे दी सी मदम मैं समझे कि छो सी मदम बोनी कहीं गला रे छोटी कहीं गला हैं छोटी कहीं गला नहीं नहीं मोबाइल नहीं नहीं छोटी कहीं गला कोई दे ये छोटी कहीं गला कोई दे छोटी भी तार नानू हो गई छे बोल ए मामा छोटी कहीं गला छोटी रबर माने दियो इटा दिए रखे ना चुट्टी बनाब फिर बाय नीनी। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये था मतलब ये लोग मस्ती कर रहे हैं। अभी ये लोग थोड़ा सोएंगे, मैं भी थोड़ा सो जाऊंगी, फिर हम क्या करेंगे इवनिंग में बात करेंगे आपके साथ। तो चलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। क्या कर रहे हो आप लोग यार? अभी इवनिंग हो गया है तो मैं ना अभी थोड़ा फ्रेश होके इधर बाहर घूम रही हूँ, और मेरी बेटी जो है फिर से मेरी पापा के साथ घूमने गई है बाहर,
थोड़ा बादल बादल कर रखा है बाहर, मतलब बारिश नहीं होगा शायद लग रहा है, कम कम बादल ऐसा क्या रखा है। तो आपको मैं बोली थी कि आज मैं घर दिखाऊंगी अंदर से, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ, चलिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बोली कि घर दिखाऊंगी, मतलब घर मतलब अब दिखाऊंगी वो छत जो बनाया हुआ है नया घर, वो दिखाऊंगी, क्योंकि घर का मतलब नीचे वाला घर का सामान ना सब बिखरा पड़ा हुआ है, सब साफ कर रहे हैं, क्योंकि मेरी दादी की बरसी है तो गेस्ट आने वाले हैं। तो चलो मैं आपको ऊपर का घर दिखाती हूँ, चलिए। ये मैं क्या कर रही हूँ, अभी स्टेप चढ़ के जा रही हूँ अंदर से। ये बंद कर रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा डॉगी ऊपर छत में है, वो नीचे चला जाएगा बोल के। तो ये मैं आ गई हूँ छत पे, मतलब हमारा सेकंड फ्लोर पे। तो ये ऐसे रूम बना रखा है फ्रेंड्स, ये बनेगा हमारा, मतलब बैठेंगे जब गेस्ट आएंगे तो वही वाला एक रूम बनाया है सर। और ये हॉल बनाया है, ये हॉल है, अभी बनाया नहीं है फ्रेंड्स, बस इतना ही बनाया है, सब बहुत कम बाकी है, खाली छत पड़ गया, छत हुआ है अभी। तो ये हमारा एक रूम है जो कि मेरा रूम है, तो ये मेरा रूम है फ्रेंड्स, देखिए। आपको मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, ये हॉल है, कुछ इस तरह का हॉल है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और वहाँ सब ग्लास लगने वाला है। और ये बालकनी है एक, और ये मेरा रूम है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए मेरा रूम है। और ये बनाए हैं किचन थोड़ा बड़ा बनाए हैं फ्रेंड्स। और ये है मेरे भैया और भाभी का रूम है, ये रूम बड़ा बनाया है, बहुत बड़ा बनाया है। तो ये रूम है फ्रेंड्स, इसका जो खिड़की है ये, और उधर का व्यू है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ खिड़की से बाहर। ये हमारा नीचे का मतलब बाथरूम है, वो बाथरूम है, और ये एक रूम है, और इधर सा इधर नीचे का व्यू है ऐसा सा। और ये है हमारा गांव का, इस खिड़की से कुछ इस तरह दिख रहा है। तो कुछ ऐसा है रूम फ्रेंड्स, देखिए ये मेरे भैया और भाभी का रूम है, बेडरूम है, और बेडरूम के मतलब साइड में ये है, ये उनका चेंजिंग रूम है, चेंज करेंगे यहाँ कपड़ा उनका, मतलब फ्रेश होना चेंज करना सब इधर ही होगा। और फ्रेंड्स ये है लेटरिंग और बाथरूम, तो लेटरिंग और बाथरूम भी कुछ इस तरह बनाया है उन्होंने, कुछ बनाया नहीं है फ्रेंड्स, अभी खाली उठा दिया है और बाद में फिर बनाएंगे वो, तो इतना हुआ है और काम बंद है अभी कोरोना के लिए। और लेटरिंग बाथरूम है, ये मेरा रूम का लेटरिंग बाथरूम है, क्योंकि वहाँ नहीं हो पाया साइड में, तो मेरा रूम का लेटरिंग बाथरूम है। मेरा क्या है फ्रेंड्स, मैं इधर कितना दिन रहने वाली हूँ, जो आके फिर मेहमान हूँ इधर का, तो मेरे लिए एक रूम बना दिए हैं, और मेरा रूम का लेटरिंग बाथरूम वहाँ बना दिए हैं। और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है फ्रेंड्स, तो हम ऊपर भी जाएंगे। लगा मैं घर दिखाई, घर तो नहीं है बिल्कुल, बना नहीं, कंप्लीट भी नहीं हुआ है, बस सिर्फ घर ऐसे ऐसे उठा दिया इतना ही और छोड़ दिया है। तो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है ब्लॉग मुझे बताना ज़रूर, और वीडियो पे बने रहिए, एंड तक देखिए वीडियो, और लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो न्यू है, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी फेसबुक और इंस्टा का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दी है, अगर जो मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि। ठीक है फ्रेंड्स, चलो वीडियो पर बने रहिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमारा छत के ऊपर का सारा व्यू दिखाऊंगी, तो चलिए बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। ये नीचे का व्यू है फ्रेंड्स,
ये देखिए हमारा ये नीचे का साइड का व्यू है जो बाउंड्री के अंदर ही सब।